हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। दिवाली के बाद आज हमारे घर कोई भी नहीं है, सब लोग गांव गए हुए हैं। तो मैं हूँ, मेरे छोटे भाई हैं, तो अभी हम लोग ही हैं घर पे। आज तो मेरा थोड़ा फीवर भी हो रहा था कई दिनों से, और हम कल रात को 12 बजे सोए हैं मूवी देख के। हम कल ऑल ऑफ अस डेड सीरीज देख रहे थे सब मिल के, तो फिर हम 12 बजे सोए हैं और अब उठे हैं 9 बजे। मतलब मैं तो 7:30 पे उठा था, अभी बाकी सब सो रहे हैं। हे गाइस, तो अभी टाइम हो चुका है 12 और अभी रेडी हो चुके हैं। छुट्टियां चल रही है कोचिंग की, अभी शाम की हो रही है 4:36 और अभी मैं फ्री बैठा था तो मैंने अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा। पॉडकास्ट नहीं, एक सीरीज बनाई चैट जीपीटी के साथ, एंड मैं उसमें मैंने थोड़ा अपना आइडिया डाला और एक अच्छी सी सीरीज की स्टोरी बनी, हाँ, जो हमने शॉर्ट वीडियो में कन्वर्ट करके उसको अपलोड कर दिया है चैनल पे, वो देख लेना। ओके, वो स्टोरी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, वो मैंने अपलोड कर दी। हे गाइस, तो अभी शाम के 4:45 हो रहे हैं, अभी मैं फ्री बैठा था। मेरे पास अभी कोई वर्क नहीं क्योंकि दिवाली की छुट्टी हो रही है, तो मेरे पास अभी डिजाइनिंग का कोई वर्क नहीं है। तो इस छुट्टी में मैं नेटफ्लिक्स की एक सीरीज देख रहा हूँ, ऑल ऑफ अस आर डेड, जो कि ज़ॉम्बीज के ऊपर सीरीज है। तो अभी वो सीरीज चल रही है क्योंकि वंश भी चला गया घर पे, तो मैं अब अकेला हूँ, तो अकेले ये ज़ॉम्बी की सीरीज को देख रहा हूँ। आधे एपिसोड देख लिए, 4 एपिसोड देख लिए, अभी 5वां है। सो हाँ, तो छुट्टी में ये काम चल रहा है। अभी शाम के 5 हो रहे हैं, अभी सब लोग चले गए हैं, सिर्फ हमें घर पे अकेला मैं बचा हूँ। तो जब तक कोई नहीं आता इतने में ऑल ऑफ अस आर डेड कंटिन्यू देखता हूँ। इसके ये वॉलपेपर चेंज होते रहते हैं, वैसे हर लैपटॉप में अब तो होते ही होंगे शायद, मेरे को चल रहा था। राधिका वापस आ गई। हेलो गाइस, हेलो। ओ क्या, अरे लादू, टोपा राधिका, टोपा जी, अरे जी राधिका चीजी खाई है, राधिका चीजी खा रही है। हे गाइस, अभी तो अभी हम सुबह सुबह राधिका को साइकिल पे घुमा रहे हैं और राधिका को साइकिल सिखा रहे हैं। वैसे इसके पैर वैर कुछ नहीं आते अभी नीचे तक, है ना, तो बस ऐसे ही चला रहे हैं। आगे रास्ता नहीं है, आगे रास्ता नहीं है, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। हे राजड़ा, पापा, चाची, चाचा, पापा, चाचा और फिर मम्मी, मेरे घर पे मैं करना है। वो आदमी मेरी मम्मी के समझ रहा मत, बहुत अच्छे से कुछ है ऐसे दिशु कुछ ऐसे रहा मम्मी नहीं आए वो दिन में जब तुम दिवाली पे बनाई थी पहले की अंटी डैडी ने। अब रिकॉर्ड हो गया, घंटा है रिकॉर्ड, ये लगी पड़ी है वरना हो जानी शेव। मनीष ने शेविंग की लाई, रिकॉर्ड हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 2:45 और अभी मैं जा रहा हूँ कोचिंग पे। दिवाली के बाद, दिवाली के बाद ये फर्स्ट डे। शाम के हो रहे 4:45 और आज हमारे सारे स्टूडेंट आए थे
थोड़ा बोरिंग रहा क्योंकि क्लास तो हुई नहीं थी, पर हम सारे फ्रेंड्स आए थे बात कर रहे थे। और मैं अपनी बड़ी डिजाइनिंग बनाई मैंने आज, और मैंने अपनी डिजाइनिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करी, और फ्री बैठे थे मैंने अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया, आधा कर लिया आधा मुझे, तो इसलिए आज मेरा थोड़ा टाइम बच जाएगा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का, जल्दी पॉडकास्ट। हे गाइस, तो अभी हो रहे रात के 8:40, कोचिंग से आने के बाद पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने लग गया था, तो वो रिकॉर्ड करके अपलोड किया, फिर उसके बाद मैं ऐसे अपने वर्क में बिजी हो गया, तो जिसकी वजह से कुछ भी रिकॉर्ड करने लायक चीज़ नहीं थी। तो अभी तो मैं अपना डिनर कर रहा हूँ, फिर आज एडिटिंग भी करनी है, तो थोड़ी एडिटिंग के लिए भी टाइम निकालूंगा, तो आज थोड़ा टाइम निकाल के वो एडिट भी कर दूंगा। हे गाइस, तो अभी रात के 9:05 हो रहे हैं, और अभी हम लोग डिनर करने के बाद हम घूम रहे हैं, कानू वहाँ पे मोबाइल ले लिया, जा रहे हैं। हाँ, लाइट बंद कर दे। हे गाइस, तो यहाँ तक लोग देख लिया तो लाइक कर देना, तो यहाँ तक लोग देख लिया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना, कमेंट से थॉट्स मैं बताऊँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग बोल दो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दादू, टाटा बाय बाय कर, सी यू बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।